बस बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop No. 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मेरठ जिला स्तर पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। आज सुबह 6 संदिग्ध लोगों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। इन सभी पर बराबर नजर रखी जा रही है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने का दायित्व तो निभाने वाली पुलिस पर भी अब कोरोना वायरस की रोकथाम का जिम्मा आ गया है। आज पुलिस लाइन सभागार में जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर सुभाष व नगर पुलिस अधीक्षक अखिलेश नारायण ने पुलिस कर्मियों को कोरोना वायरस की रोकथाम के व्यापक इंतजाम करने व लोगों को जागरूक करने के सुझाव दिए। इस दौरान सभी को सैनिटाइजर व मास्क का भी वितरण किया गया। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं डॉक्टर सुभाष व अखिलेश नारायण। डॉक्टर सुभाष चौधरी, जिला सर्विलेंस अधिकारी मेरठ। आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बचाव, सुरक्षा बचाव करने में ही हमारा फ़ायदा है, और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग है। 1 मीटर की दूरी बनाकर रखा जा रहे, दूसरों से ज़्यादा मिले जुले ना, हाथ शेक हैंड ना करें, हाथ ना मिलाएं। अगर कोई व्यक्ति किसी को संक्रमित है, इन्फ्लुएंजा है, खांसी जुकाम है, वो व्यक्ति मास्क का प्रयोग करे और उससे डिस्टेंस बना के रखें। दूसरे व्यक्ति, सभी लोग हाथ को लगातार साबुन से धोते रहें। अगर साबुन कहीं पे उपलब्ध नहीं है तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। पब्लिक प्लेसेस पे, भीड़ वाले स्थानों पर कम से कम जाएं, परहेज करें। आवश्यकता पड़ने पर ही ऐसी जगहों पर जाएं, और अगर वहाँ जा रहे हैं तो उसके बाद में अपने हैंड वॉश करते रहें। और अफवाहों से बचें, किसी तरह की मीडिया पर भ्रामक प्रचार प्रसार को सही न मानें। जो स्टैंडर्ड साइट्स हैं गवर्नमेंट की, MOHFW की, उनसे ही आप जो मटेरियल हम लोग प्रचार प्रसार की जानकारी प्राप्त करिए, उस पर भरोसा करें। यही हमारा आप मैसेज। क्या कोई ऐसा नंबर है सर, जिससे अगर किसी को कोई जिज्ञासा हो तो उसका समन किया जा सके? जी हाँ, CMO ऑफिस में आपके जनपद में कंट्रोल रूम नंबर बना हुआ है, 0121-266-2244। यदि कोई किसी को किसी तरह का भ्रम है, कोई समस्या, तो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ UP की भी एक हेल्पलाइन है, 1800-180-5145। अगर चाहे तो इस नंबर पर भी किसी समय बात की जा सकती है, नंबर टोल फ्री है। सर, खास तौर से ऑफिस में जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते जाते रहते हैं सर, तो ऑफिस में क्या क्या प्रोटोकॉल का हमें पालन करना चाहिए? ऑफिस में जहाँ पर काफ़ी लोगों का पब्लिक डीलिंग होती है, लोग आते जाते हैं, वहाँ पे हम लोग ये ध्यान रखें कि लोग 1 मीटर की दूरी बनाकर संभव हो तो अपना कार्य करें। फ्लोर को, जो जमीन है, उसको निरंतर उस पर पोछा लगवाया जाए। इसके लिए ब्लीचिंग का घोल, नॉर्मल कीटाणुनाशक जो हम फिनाइल वगैरह यूज़ करते हैं, या डिटर्जेंट का घोल पर्याप्त है। और इसके साथ साथ हम अपनी कुर्सी, मेज के हत्ते, डोर हैंडल्स, ऐसी चीज़ें जहाँ पर दूसरे व्यक्ति के हाथ लग सकते हैं, उनको भी विसंक्रमित किए जाने की आवश्यकता है, उसके लिए भी यही चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। आज कोरोना की रोकथाम की तैयारी की समीक्षा करने के लिए DIG जेल लव कुमार जिला जेल मेरठ पहुंचे। उन्होंने निरीक्षण कर पत्रकारों से बात की। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं DIG जेल लव कुमार। देखिए, जैसा कि आप लोगों को विदित है, इस समय न केवल देश बल्कि दुनिया एक गंभीर समस्या से जूझ रही है, तो ऐसे में जेलों में बड़ा आवश्यक हो जाता है कि उस चीज़ से बंदियों को बचाए रखना। इसके संबंध में शासन से भी निर्देश जारी हुए हैं, और आदरणीय DG प्रिजन सर अनंत कुमार सर ने बहुत विस्तृत दिशा निर्देश सभी जेलों को दिए हैं। उसी क्रम में सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, जिसमें मैं स्वयं शामिल हूँ, सभी जेलों की समीक्षा हम लोग जाके जेलों में कर रहे हैं। 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। DG सर के स्तर से एक STF का गठन किया गया है हर एक जेल पर, जिसमें सुपरिटेंडेंट की अध्यक्षता में एक कमेटी है जो कि जितने भी बंदी हैं उनको स्क्रीन करेगी। अगर कहीं किसी में भी कोई सर्दी खांसी या कुछ पाया जाता है तो उसको हम तुरंत ट्रीट कर सकें और देख सकें कि क्या इशू है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, जो मुलाकाती बाहर से आ रहे हैं उनको हम लोग बाहर अवेयर भी कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर किसी में भी कुछ सिम्टम्स खांसी जुकाम टाइप के अगर मिलते हैं तो कोशिश करते हैं, अनुरोध करते हैं, अगर मान जाते हैं तो वो नहीं मिलते हैं, और अगर कोई बहुत अर्जेंट भी है तो उसको हम प्रॉपर मास्क दे के और सैनिटाइज करके ही अंदर प्रवेश दिलाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़, जो कि कोरोना में आप लोगों ने देखा और एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से भी बताया जा रहा है, कि
लगभग 1 मीटर का डिस्टेंस बातचीत करते समय रहना चाहिए। तो उसके मद्देनजर सभी जिलों को हमने एडवाइजरी जारी की है, और यहाँ पे भी आज मैंने देखा कि बाकायदा कुछ रस्सियां, कुछ लोगों ने लाइनें, और इस तरीके से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट ऐसा किया है ताकि जो मुलाकाती और बंदी है उसके बीच में 1 मीटर या उससे थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस बना रहे। उसके अलावा अगर हम बंदियों की बात करें तो बंदियों में अवेयरनेस रेगुलर नियमित तौर पर उनको ये समझाया जा रहा है। हमारे यहाँ अंदर जेल रेडियो काफ़ी जेलों में, हमारी लगभग 26-27 जेलों में जेल रेडियो स्टार्ट हो चुका है, तो जेल रेडियो के माध्यम से सुबह शाम उनको अवेयर किया जाता है। और इसके अतिरिक्त उनकी स्वच्छता के मद्देनज़र जिन जो बंदी साबुन, कुछ लोग तो अपना बाहर से यूज़ करते हैं जो बाज़ार का साबुन है, जो नहीं यूज़ कर पाते, नहीं खरीद पाते, तो हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में उनको सोप हम अवेलेबल कराएं ताकि वो स्वच्छता का अपना ध्यान रख सकें। मेडिकल फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, वो राउंड द क्लॉक इस समय सजग हैं, और अगर कोई भी पेशेंट जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम या इस तरह का कोई भी लक्षण नज़र आता है तो तुरंत उसको ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। और सभी जगह हम लोगों ने अपना एक आइसोलेशन वार्ड टाइप का, मतलब नॉट एग्जैक्टली कि वो कोरोना का लक्षण वाला, लेकिन जो अगर किसी को सर्दी खांसी टाइप का भी है तो उसको बाकी पेशेंट से अलग रखते हुए उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और 3-4 दिन में वो ऑब्वियसली जो डॉक्टर अपने हिसाब से देखते हैं, सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं तब उसको वापस बैक में देते हैं। सीएमओ कार्यालय में भी बराबर कोरोना वायरस की रोकथाम के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बारे में बता रहे हैं सीएमओ डॉक्टर राजकुमार। सर, कोरोना को लेकर क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि हमारे 6 पेशेंट संदिग्ध रूप से जो आ गए थे हमारे पास सिम्टम लेके, उनको हमने एडमिट कर लिया था संदिग्ध वार्ड में। अभी कंफर्म केस कोई भी नहीं है मेरठ में, और हमारी 18 सैंपल गए हुए हैं जिनमें से 11 की रिपोर्ट आ चुकी है, 7 की पेंडिंग है। अभी 11 की रिपोर्ट निगेटिव है। सर, क्या रिपोर्ट में क्या आया है? 11 रिपोर्ट निगेटिव है। इसमें देखा गया कि अभी तो आप बता रहे हैं नेपाल के भी कुछ पड़े गए। हाँ, 3 लोग नेपाल से आए हुए थे, तो उनको भी कुछ सिम्टम थे, तो उनको भी हमने सैंपल भिजवा दिया है। प्रशासन की तरफ से कोई आदेश हुए हैं कि कचहरी प्रशासन में भी स्कैनिंग की जाएगी? वो हाईकोर्ट के आदेश थे और डिस्ट्रिक्ट जज साहब का आदेश था, जो लोग आते हैं वहाँ कचहरी में तो उनको स्क्रीनिंग कर लें कि किसी को बुखार तो नहीं है। ऐसे लोगों को हमने स्क्रीनिंग शुरू करा दी है। बुखार के मरीजों को हम एंट्री नहीं करने दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं पहले इलाज कराएं आप और उसके बाद भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं। क्या उन लोगों को थर्मामीटर पे अप्रोच कराएं? इंफ्रारेड थर्मामीटर से उनको चेक करते हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं, बावजूद इसके बाजार में सैनिटाइजर व मास्क का अभाव नजर आ रहा है जो लोगों को परेशानी में डाल सकता है। फर्स्ट बाइट टीम ने आज कई मेडिकल स्टोरों का दौरा किया और उनके संचालकों से बात भी की। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं मेडिकल स्टोर संचालक। अभी इतनी डिमांड है मास्क और सैनिटाइजर की और यहाँ पर सैनिटाइजर नहीं है, तो प्राइस भी शॉर्ट है, होता है, रोज आते हैं, रोज बिकते हैं। जी, तो आप कितने में मास्क बेच रहे हैं? हाथ साफ रखो, गंदगी से दूर रहो, और तो कुछ हो नहीं सकता। ऑन एवरेज 10-10 पेशेंट आते हैं। आज बाई दी में खत्म हो गया, रोज होते हैं। थ्री प्लाई वाला मास्क जो आपने पहना हुआ? सर, आपकी शॉप पे मास्क और सैनिटाइजर है? सिर्फ सैनिटाइजर है। सर, मास्क क्यों नहीं है? अभी इतना डिमांड है। डिमांड है बताओ, मैडम महंगा सामान कौन खरीदेगा? तो कितने टाइम से यहाँ? 2 महीने को मेरे पास तो माल ही नहीं है। पहले 2 रुपया खरीदते थे, वो 20 रुपये का बोलते हैं, क्यों खरीदे हम? आपके पास पहुंचता है पीछे? मेरे पास कोई मास्क नहीं है, मेरे पास सिर्फ सैनिटाइजर है। नहीं, जो पहुंचता है आपके पास या पहले कभी पहुंचा है? हाँ, पीछे से ही महंगा हो गया। माल ही नहीं बताते, है ही नहीं, अब क्या बोले। सैनिटाइजर कितने में आते हैं? वो जो है MRP है उस पर 260 रुपये MRP है, अपना 170-180 में चला जाता है। हाँ, कम क्वांटिटी में आ रहे हैं और जैसे ही आते हैं एक आध दिन में बिक जाते हैं। तो सर, कितने में आप मास्क बेच रहे हैं? हम 10 रुपये का बेच रहे हैं और 40 रुपये का। जब माल ही थोड़ा आता है तो इसलिए उसी हिसाब से जो बिक जाते हैं तो उसमें नहीं करना पड़ता है, उससे पहले जो है देते हैं, जो भी आता है उसको, मना नहीं करते किसी को।
फिलहाल तो एक ही टाइप के हैं, जैसे इनके हाथ में ये जैसे निकल। तो और मतलब अब पेशेंट्स को कैसे बोलते हैं, मतलब ज़्यादा प्रेफर किस मास्क को कि बहुत सारे मास्क आए हुए हैं N95। वो तो आई नहीं रहा N95, तो नॉर्मल मास्क हैं। और मास्क की तो इस समय ये पोजीशन है कि एक कुटीर उद्योग बन गया है, ये जो टेलर मास्टर्स हैं वो भी यही बनाने लगे हैं। हाँ जी, हाँ जी, चलिए। अब उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो कितना उसकी जो मतलब कितनी अच्छी क्वालिटी है, क्वालिटी के बारे में नहीं बता सकता मैं। हाँ, यही कहूँगा कि भाई लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं उसको फॉलो करें।